हेलो, क्या हाल है? मंडे का दिन शुरू हो गया है और मैं थोड़ा सा भी सुस्ता रहा हूँ इसको लेके, बट टेक की खबरें ऑलरेडी आ चुकी है। पूरे वीकेंड पे कुछ ना कुछ होता रहा है और उसके बारे में अब मैं बहुत क्विकली आपको बताने वाला हूँ। कुछ सवालों का साथ साथ पोस्ट करते रहना। इमाम आंखें खोल के इसको बचाओ, चाय पिलाओ यार, कोई उबासिया मारता है पीछे से ही। और कमेंट कोई आए तो मुझे बताना ताकि वी कैन टेक दैट ऑन। अच्छा चलो, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। लास्ट फ्राइडे को हमने बात करी थी कि व्हाट्सएप का बिजनेस ऐप आ गया है, एंड व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आपका नॉर्मल व्हाट्सएप से एक सेपरेट ऐप होने वाला है। सो ये जो ऐप होगा ये मेनली स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स के लिए होने वाला है। स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स जो हैं वो रिपोर्ट्स के हिसाब से मैक्सिमम इन फर्म्स की मार्केटिंग होती है व्हाट्सएप पे। ब्राजील और इंडिया बहुत मेजर मार्केट्स हैं स्मॉल फर्म्स के लिए, और वो सारे के सारे जो हैं व्हाट्सएप के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है, मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से, दिस इज गोइंग टू गिव अ बिजनेस अकाउंट टू द कंपनी। तो मान लो आप जैसे आपका एक नॉर्मल व्हाट्सएप का अकाउंट है, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ही बनेंगे कई सारे व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट्स। और बिजनेस अकाउंट्स में क्या होगा कि जितने स्मॉल फर्म्स हैं उनसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाओगे, जस्ट लाइक यू टॉक टू एनीबॉडी एल्स ऑन व्हाट्सएप। अब ये बिजनेस अकाउंट्स जो हैं ये ऑब्वियसली कंपनी से ही कंट्रोल्ड होंगे, और इनमें कई सारे प्री फेड इन आंसर्स होंगे। जैसे कुछ बिजनेसेस होते हैं उनके बारे में जब हमें कोई ऐसे सवाल होते हैं जो हर कोई पूछता है, तो उनके कुछ प्री डिटरमिंड आंसर्स होंगे। आपके क्वेश्चन डालते ही इमीडिएटली वो आंसर पोस्ट हो जाएगा। यू विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद दीज फर्म्स डायरेक्टली। इनके डिटेल्स में जब आप इनके अकाउंट के डिटेल्स खोलोगे तो उसमें आपको इनका कॉन्टैक्ट डिटेल, इनका एड्रेस, इनके टाइमिंग्स, उस सारे के सारे वैसे ही आ जाएंगे जैसे हमारे व्हाट्सएप अकाउंट्स में हमारा वो स्टेटस होता है या हम लोग अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, वैसे ही बिजनेस अकाउंट्स को इस तरीके के डिटेल्स मिलेंगे। एंड बिजनेस अकाउंट्स टू बिगिन विद आर गोइंग टू बी फ्री, बट थोड़े टाइम के बाद ये मोनेटाइज हो जाएंगे। अब फ्राइडे को जब हमारी खबर ये आई थी कि ये बिजनेस अकाउंट शुरू हो रहा है, तो उस टाइम पे ये पता लगा था कि इंडिया में अभी नहीं आया है। मंडे को इमाम हजरा कोई कमेंट आया लगता है, एक प्रद्युमन ने कमेंट किया, व्हाई इज आईफोन एक्स डिसकंटिन्यूड। ओहो, ये हमारा आगे का सेगमेंट, मुद्दे पे आओ सीधा। ये व्हाट्सएप बिजनेस को छोड़ो, हमारे मतलब की चीज नहीं है, मुद्दे की बात करें। चलो मुझे व्हाट्सएप बिजनेस कंप्लीट करने दो, अगली बात इसी की करते हैं। पहले तो प्रद्युमन मुझे ये बताना, आईफोन 10 तुम्हारे पास है क्या? अब जब तक इसका जवाब आता है मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। ये जो है क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस जो है पहले ये फ्री था, अब मोनेटाइज हो जाएगा इंडिया में, आज से ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी स्मॉल फर्म्स हैं जो देख रहे हैं इसको, यू कैन इजिली ऑप्ट फॉर दिस, क्योंकि अभी फ्री है, थोड़े टाइम के बाद ये यू हैव टू पे टू बाय दिस ऐप। इसमें जो आपका सिंबल है वो भी आपका सिंबल बी उसमें बना होगा, दैट्स वॉट वी कैन सी इन फोटोग्राफ्स। ठीक है, सो अब प्रद्युमन की बात करते हैं, कोई जवाब आया इसका? नहीं आया। चलो प्रद्युमन, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारे पास आईफोन 10 है और तुम काफी फिक्र में हो। इतना मैं आपको बता दूं कि ये मिंग ची कुओ या इनका ऐसी नाम है, ये आईफोन के और एप्पल के लीक्स देते हैं, और इनके लीक्स और इनके रूमर्स बहुत रिलायबल होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं। और ये इनका कहना ये है कि आईफोन 10 जो है 2018 में मिड से डिसकंटिन्यू होने वाला है। अब दो मिनट लो और इस बात को जहन में आने दो कि 1,02,000 रुपए खर्चे फोन लिया, पहली बात तो फोन कई बार क्रैश हुआ, कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं, और अब से डिसकंटिन्यू होने वाला है, कैसा लग रहा है? तो ये अभी वैसे रूमर है, पक्की बात नहीं है, और एप्पल जैसे ब्रांड से यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट देम टू मेक श्योर दैट यू आर सैटिस्फाइड। ये जो फोन है इनका, रिपोर्ट से आ रही है कि आईफोन 10 के और वेरिएंट्स आने वाले हैं 2018 में, तो उसके कारण ये वाला जो मॉडल है डिसकंटिन्यू हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, हो सकता है। जो नए मॉडल्स आएंगे उनमें मैं आपको बताता हूं, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी मेरे पास। 6.5, इसमें दो वेरिएंट्स आएंगे आईफोन 10 के 2018 में। अब दीज आर ऑल रूमर्स राइट नाउ, बट यू नो द सोर्स इज वेरी वेरी रिलायबल, सो लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। 6.5 इंचेस की ओएलईडी ओलेड डिस्प्ले है इनका, और एक आपके पास एक और आईफोन 10 का वेरिएंट आएगा विच विल हैव अ 6.1 इंच एलसीडी डिस्प्ले।
बोथ जो डिवाइसेज हैं उनमें एच टू एच डिस्प्ले होने वाला है और फेस आईडी ऑथेंटिकेशन ऑफकोर्स दोनों में होगा. पर ये वाला जो वर्जन है आईफोन 10 का, ये शायद डिसकंटिन्यू हो जाए और दूसरे दो और वर्जन आईफोन 10 के आ जाए, या शायद ये आईफोन 11 निकाल दें. ये कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अब आने वाले टाइम में जब तक आईफोन, जो भी 2018 का जो आईफोन है, जब तक वो लॉन्च नहीं होता, रूमर्स आते ही चले जाएंगे और हम आपको सारे रूमर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो दैट इज एज फार एज द आईफोन 10 इज कंसर्न्ड. देयर इज अ चांस दैट इट माइट गेट डिसकंटिन्यू. अच्छा, अभी फ्लाइट्स में बहुत दिक्कत होती है. आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है हमारी 3G पे, 4G पे, डेटा कंजम्पशन पे, हर चीज हमारी नेट पे चल रही है. फ्लाइट में अगर आप 2 घंटे की फ्लाइट में हो, 3 घंटे की फ्लाइट में हो, या लंबी फ्लाइट में हो, 2-3 घंटे 4 घंटे बिना इंटरनेट के बैठने काफी मुश्किल हो जाता है. कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनमें जो बिजनेस क्लास है या फर्स्ट क्लास है, वहां पे आपको वाईफाई अवेलेबल होता है व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन द एयर. अब जो हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया का, उन्होंने रेकमेंड किया है कि मोबाइल फोन कॉल्स और इंटरनेट सर्विसेज वाईफाई के साथ, ये अब आपके फ्लाइट्स पे अवेलेबल होंगे, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में भी. रेलवे स्टेशन पे ऑलमोस्ट 8500 वाईफाई स्टेशन ऑलरेडी, सॉरी 8500 रेलवे स्टेशन जो हमारे इंडिया के हैं, उनमें फ्री वाईफाई तो आने ही वाला है. और बहुत ही जल्दी TRAI ने ये रेकमेंड किया है कि हमारे फ्लाइट्स में भी वाईफाई अवेलेबल हो. सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मूव इफ इट हैपेंस. हाँ जी मां, बताओ. हुसैन जफर जानना चाहते हैं, हाउ कैन यू डाउनलोड व्हाट्सएप बिजनेस ऐप? ये आपका अभी सिर्फ प्ले स्टोर पे आया है. हुसैन नाम? हाँ, हुसैन जफर. हुसैन जफर, ये एक तो नमस्कार, चाय आई होप आप भी पी रहे हो. और ये आपका प्ले स्टोर में ही आएगा ऐप, और अभी सिर्फ एंड्रॉइड के लिए आया है, ये अभी iOS यूजर्स के लिए रोल आउट नहीं हुआ है. सो प्ले स्टोर में ही आप इसको सर्च करो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के नाम से, एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट. ठीक है. एंड अगली, ओ ये तो मतलब मेरे समझ ही नहीं आ रहा है ये अगली न्यूज ये होने कैसे वाली है. ये हमने, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है भाई, नोकिया कर क्या रहा है यार. मतलब एक तो मुझे मालूम है, इतना मैं आपको बताऊं, नोकिया 8 में इन्होंने जो बोथी फीचर निकाला था, दैट वाज अ गेम चेंजर. जो आगे के कैमराज और पीछे के कैमराज जो है, मतलब जो इकट्ठे चल रहे हैं, दैट आई थिंक वॉज अ वेरी गुड मूव. स्पेशली अगर आप इंटरव्यूज ले रहे हो जर्नलिस्ट के लिए, दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग. आप इकट्ठे वीडियोस बना सकते हो बिकॉज आगे पीछे दोनों साइड से कैमरा चल रहे हैं. अब नोकिया की ये न्यूज आई है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो अभी होने वाला है थोड़े दिनों में, वहां पे इनका नोकिया 9, नोकिया 1, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 3310 4G वर्जन, ये सारे ये लोग रिवील करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं इन फोन्स को. और इनके साथ साथ एक वेरिएंट और आने वाला है जिसमें नोकिया रेयर साइड पे 5 कैमरा देने वाला है. इमाम की पहली बार मुझे आंखें खुलती हुई दिखी है. 5 कैमरा, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा 5 कैमरा, मैं कैसे 5 कैमरा भाई कैसे. बट दिस इज द न्यूज. फिनलैंड की एक कंपनी है नोकिया, एंड दे हैव, दिस इज अ रूमर, इट्स मोर देन अ रूमर राइट नाउ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि 5 कैमराज इनके आने वाले हैं. ये नोकिया का एंड्रॉइड फोन होने वाला है जस्ट लाइक ऑल देयर अदर फोन्स, एंड दे गोना हैव 5 कैमराज एट द बैक. अब 5 कैमराज में इन्होंने क्या, बेसिकली जो अभी तक एक बेसिक डिजाइन का लेआउट आया है उसमें ना आपका एक सर्क्यूलर एक मोड होगा पीछे, देयर विल बी अ सर्क्यूलर डिजाइन. उसके डिजाइन के अंदर 5 लेंसेज, बेसिकली पेंटा लेंस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी गिवन इन द कैमरा. और 2 इसके पोर्ट्स और होंगे जिनमें LED फ्लैश होगा. सो देयर गोइंग टू बी, देयर गोइंग टू बी अ पेंटा लेंस एंड अ ड्यूअल फ्लैश ऑल बिहाइंड द अदर. अब ऑल ऑफ दिस इन वन कैमरा, इन वन फोन ऑन द रेयर साइड. तो दिस आई डोंट नो भाई कैसे होने वाला है, बट आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अब शायद हो भी जाए, क्योंकि यू नो एक समय था जब हम ये सोचते थे कि यार क्या एक टाइम आएगा जब पूरी की पूरी स्क्रीन ही, पूरा का पूरा डिस्प्ले ही स्क्रीन होगा. अब आज के दिन में बेजल लेस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग इवन इन बजट फोन्स. पर अब के टाइम में ये 5 कैमराज आ रहे हैं भाई. अब लेट सी, बोथ ही कैमरा तो वर्क वेरी वेल. आई थिंक द नोकिया 8 इज अ वेरी गुड फोन, और अब ये 5 कैमराज आ रहे हैं. हाँ जी, पहले तो श्रुति मैम का ये अनुमान था ना, उन्होंने बताया था हमें. श्रुति, हाँ, आई टेल यू, श्रुति हैज बीन फॉलोइंग द टेक सेक्टर सिंस वेरी लॉन्ग. उस दिन श्रुति 15 इयर्स
बहुत कई साल हो गए. इमाम और मुझे दोनों को श्रुति यही बता रही थी कि बहुत समय पहले जब वो बहुत समय नहीं, 3-4 साल पहले की ही बात है, जब श्रुति इस तरीके के जब वीडियोस बनाती थी कि एस्टिमेटिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, और उस टाइम पे श्रुति यूज टू डू दी सॉर्ट ऑफ एस्टिमेटेड फोन्स की एक समय आएगा जब फोन्स बेजल लेस हो जाएंगे. अब भाई आज ही के दिन पे ऑलमोस्ट हर दूसरा फोन जो हम रिव्यू कर रहे हैं वो बेजल लेस है. डुअल कैमरा भी हो जाएगा, डुअल कैमरा वाज वन एस्टिमेट, बैटरी ज्यादा हो जाएगी, बेजल लेस बैटरी. अब भाई 5,000 mAh की बैटरीज आ रही है, डुअल कैमरा आगे भी पीछे भी, ये 5 कैमरे की अभी बात हो रही है. मतलब आई डोंट नो किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में आई थिंक बाकी सारे गैजेट्स जितने हैं ना सारे ऑब्सोलीट होते जाएंगे, सब कुछ एक फोन ही बनने वाला है. लेट्स सी अब ये वाला अनुमान कितना करेक्ट होता है आफ्टर 3-4 ईयर्स. और एक चीज और, सैमसंग ने अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था, वीवो ने अपना अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर निकाल दिया. जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर यूजुअली बॉटम में होता है आपका इस तरीके से, अब ये भी बेजल लेस हो जाएगा और आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है वो डिस्प्ले के अंडर होने वाला है. मतलब आपकी स्क्रीन भी टॉप टू बॉटम होगी और आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो उसके अंडर होगा. अब ये तो निकाला था, ये अभी अनाउंस किया था वीवो ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में जो अभी समाप्त हुआ है. वन प्लस 6 में जो अभी फोन आने वाला है जून में 2018 में, बहुत 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 एक बड़ी देर इज अ बिग चांस दैट दिस फिंगरप्रिंट स्कैनर विच विल बी अंडर द स्क्रीन, ये हमारे वन प्लस 6 में हमें देखने को मिल जाए. अब सैमसंग का जो नोट 9 आने वाला है इस साल, उसमें रिपोर्ट ये आ रही है कि जो उनका सेल्फी कैमरा होगा वो भी स्क्रीन के अंडर होने वाला है. That means जो सेल्फी कैमराज के लिए और फ्रंट फ्लैश के लिए जो बेजल होता है वो भी हट जाएगा, एंड there's going to be complete end to end screen, और कैमरा भी स्क्रीन के अंडर होगा. और आने वाले टाइम में अगर एक फोन में ये फीचर आ गया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर स्क्रीन के नीचे है, आने वाले टाइम में सारे फोन में यही फीचर आने वाला है. सो आई थिंक दैट इज वॉट इज यू नो वॉट वी आर ऑल अप फॉर आने वाले टाइम में. अब इसके बारे में अगर किसी ने और कुछ पूछना है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ कि वुड यू वांट योर फिंगरप्रिंट स्कैनर अंडर द स्क्रीन, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आप प्लेस करोगे कैसे और पता कैसे चलेगा. कई बार होता है ना गाड़ी चलाते वक्त नहीं फोन नहीं यूज करना चाहिए, बट कई बार होता है अगर चलते चलते बिना देखे फोन को अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हो तो आप सीधा मतलब यू नो एग्जैक्टली आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ है, यहाँ है या पीछे है. अब स्क्रीन के बीच में अगर होगा तो कैसे पता लगेगा कहाँ पे है, आपको आप क्या प्रेफर करोगे? मे बी इट्स अर्ली टू आंसर दिस, बट थोड़ा एस्टिमेट करके देखो, एक सेपरेट स्लॉट होना चाहिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का या स्क्रीन के ही अंडर आप रखना चाहते हो उसको? थिंक अबाउट इट एंड डू लीव अ कॉमेंट अंडर दिस एंड वील डिस्कस इट अगेन टुमारो. इमाम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं कह रहे. चलो ठीक है, इसके बारे में फिर मुझे सोच के बताना कि आपको क्या लगता है. डू यू वॉन्ट, अगेन मैं आम आस्किंग, बीच में एक सेपरेट पोर्ट होना चाहिए फिंगरप्रिंट स्कैनर का या स्क्रीन के ही अंडर चाह रहे हो उसको? स्क्रीन के अंदर इमाम तो स्क्रीन के अंदर चाह रहा है. नया है ना सर, न्यू इज नई चीज है, ही वांट्स टू गो इन फॉर एन इनोवेशन. मैं अभी अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा या अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, वर्डिक्ट तो बाद में ही आएगा, बट ओपिनियन आपका क्या है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा सोच के बताना. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू सी व्हाट इट मींस टू एवरीबॉडी. ठीक है, कोई और चीज हो पूछने वाली तो प्लीज लीव अ कॉमेंट. अब चाहे मेरी खत्म होने वाली है, न्यूज भी सारी खत्म हो गई, कल मिलेंगे, बाय.